लड़कों के मजे हैं शायद, असल जो शेख अय्याशी लड़कों की है, बेड़ा गरक लड़कियों का हो रहा है। और फिर लड़कियां कहती हैं कि सब मर्द ऐसे हैं। हालांकि आपने क्यों ऐसा मर्द चूज किया जो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर रहा था? आपने कैसे चूज किया जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का पुजारी था? शेख एक लड़का आया सूरज गुरूब होने के से आधे घंटे बाद, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है, मैं मेरा ताल्लुक इसी जगह से जहाँ पे आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, मैंने पिछली दो तीन गलियों पीछे अभी मगरिब की नमाज पढ़ी है, तो आप लोगों के गाने और नाचने की आवाज़ और ब्लास्टिंग म्यूजिक की आवाज़ हमें मस्जिद में सजदों में आ रही थी। हमारे नौजवान नस्ल में फोहश मूवीज़ देखने का बहुत रुझान बढ़ गया है। अक्सर लड़के कहते हैं, हम तो जो बचने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मुब्तला हो गए जिनको गुना गुना ही नहीं लगता वो तो अल्लाह ही पूछेगा उनसे, जो बचना चाहते हैं वो कहते हैं हम तौबा पे कायम नहीं रहते, हम 100 बार तौबा करते हैं फिर 100 बार तौबा टूटती, हमसे ये बुराई नहीं छूटती। अभी तो कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो अभी बोलना शुरू हो गए हैं, जैसे कान्ये वेस्ट है और वो कौन थी बिली आयरिश, इनके बारे में आ रहा है यानी कि फेमस होने के लिए एक वो सैटेनिक कल्ट का हिस्सा बनने के लिए एक ने अपने मदर का कत्ल किया, कुर्बानी दी उसकी फॉर द सेक ऑफ शैतान सैटन के लिए, और बिली आयरिश ने तो अपने बेस्ट फ्रेंड का कत्ल किया फेमस होने के लिए। इंतशार फैलाया गया, एक लड़की का फ़ोन आया, कई साल पुरानी बात है, अब तो मैं कॉल उठाता ही नहीं, वो मुलहिद हो गई थी और मुझे कहती मैं बिल्कुल इस्लाम मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बात की। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जौजा थी वो नबी के दामाद के ख़िलाफ़ तलवार उठाई उन्होंने, यानी नबी की जौजा पैगंबर के दामाद, तो ज़ाहिर है एक लिहाज से उनके भी दामाद हुए, तो ये है इस्लाम।